आज यूपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना था, जिसमें शुरुआती दौर में हल्ला बोल देखा जा रहा है। हंगामे के बीच राज्यपाल का अभिभाषण भी चल रहा था, तो आप लगातार देख सकते हैं बैनर दिखाई दे रहे हैं, सीए के खिलाफ भी बैनर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आज बजट सत्र की जो शुरुआत हो रही थी विधानसभा में, विपक्ष का हंगामा जो है वो शुरू हो गया है। आप सभी के हाथों में बड़े बड़े पोस्टर बैनर देख सकते हैं। गैस सिलेंडर को लेकर भी आज सुनवाई होनी थी, सीए कानून वापस के लगातार नारे लगाए जा रहे हैं। तो लगातार काफी दिनों से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सीएए का विरोध पूरे देश भर में किया जा रहा था, और वैसे में आज विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआती जो हुई वो भी विरोध प्रदर्शन से हुई। और लगातार आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से विपक्ष जो है वो विधानसभा में हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दूं कि राज्यपाल का बजट सत्र के दौरान जो अभिभाषण हो रहा था, उसके तहत आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान इस तरीके से हंगामा जो है वो नजर आ रहा है। तो बैनर पोस्टर लेकर विपक्ष ने नारेबाजी भी लगाई है, सीएए का विरोध ज्यादातर से देखा गया। किस तरीके से सीएए और एनपीआर को वापस लिया जाए, उसके बैनर और पोस्टर पूरे विधानसभा के अंदर नजर आ रहे हैं, और सीए कानून को वापस लेने के भी लगातार नारे लगाए जा रहे हैं। तो सीधा लाइव तस्वीरें आपको हम आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, हंगामे के बीच राज्यपाल का अभिभाषण। तो बैनर पोस्टर लेकर विपक्ष ने नारेबाजी करनी शुरू कर दी, सीएए हटाओ के नारे लगे हैं। आप सभी के हाथों में बड़े बड़े पोस्टर और बैनर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो विपक्ष है वो सीएए का विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज पहला दिन है, ऐसे में शुरुआती हंगामा के साथ शुरू हुआ बजट सत्र, विपक्ष का हल्ला बोल किस तरीके से नजर आ रहा है आप टेलीविजन स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं। तो यूपी विधानसभा में विपक्ष का हल्ला बोल जारी है, लगातार विपक्ष कई मुद्दों को लेकर हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं, महंगाई को लेकर हंगामा कर रहे हैं, गैस सिलेंडर एक अहम मुद्दा है, बैनर पोस्टर लेकर विपक्ष ने लगातार हंगामा करना शुरू कर दिया है। तो गैस सिलेंडर के बड़े दामों का लेकर भी विपक्ष जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, यूपी विधानसभा में विपक्ष का हल्ला बोल जारी है। सीधा लाइव तस्वीरें हम आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, राज्यपाल के अभिभाषण के बाद ये हंगामा जो है वो शुरू हो गया है। सभी के हाथों में बैनर पोस्टर भी नजर आया, गैस सिलेंडर के बड़े दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो यूपी विधानसभा के बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान किस तरीके से हंगामा नजर आ रहा है वो आप टेलीविजन स्क्रीन पे साफ देख सकते हैं। विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है, हंगामा किस तरीके से बरपा है आप वो देख सकते हैं। कई अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष नाराज है, नारेबाजी भी लगा रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। महंगाई जो है वो एक अहम मुद्दा है, गैस सिलेंडर के जिस तरीके से दाम बढ़े हैं उसको लेकर भी विपक्ष जो है वो सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। कार्य प्रारंभ किया जा चुका, राज्य ग्रामीण पेयजल योजना के अंतर्गत 158 परियोजनाएं निर्माणाधीन है। मुख्यमंत्री आरओ पेयजल योजना के तहत जेई व एईएम प्रभावित जनपदों तथा बुंदेलखंड क्षेत्र में जनपदों में 28,041 परिपरिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अल्ट्राफिल्ट्रेशन तकनीकी पर आधारित जल शोधन संयंत्र स्थापित किए गए हैं। बुंदेलखंड जल संकट से सर्वाधिक ग्रसित क्षेत्र रहा। बुंदेलखंड क्षेत्र के 7 जनपदों व विंध्य क्षेत्र के 2 जनपदों में कुल 6,533 अनाच्छादित गांवों को पाइप पेयजल योजना से आच्छादित करने के लिए 545 पाइप पेयजल योजनाएं तैयार की गई। इसमें मार्च 2020 तक कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। बुंदेलखंड में 8,384 खेत तालाबा का निर्माण किया गया तथा इस वर्ष 6,558 खेत तालाबा का निर्माण प्रस्तावित। भूगर्भ जल संसाधन के समय
प्रबंधन एवं प्रभावी संरक्षण हेतु मेरी सरकार द्वारा भूजल प्रबंधन, वर्षा जल संचय एवं भूजल रिचार्ज के माध्यम से प्रदेश के संकटग्रस्त 271 विकास खंडों में 22 शहरों में राज्य भूजल संरक्षण मिशन प्रारंभ किया गया है। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान रहा। प्रदेश में 10 ग्रीन फील्ड नवीन डेयरी प्लांट्स की स्थापना की गई, 4 डेयरी प्लांट्स का उच्चीकरण किया गया। प्रदेश में गोवन संरक्षण हेतु सभी जनपदों में 2-2 बृहद गोवंश संरक्षण केंद्र स्थापित किए गए। प्रदेश में कुल 4,921 गौ आश्रय स्थलों पर 4.50 लाख निराश्रित गौवंश को संरक्षित किया जा रहा है। निराश्रित गौवंश सौभाग्यता के अंतर्गत अब तक 23,542 गौ पालक परिवार को 46,786 गौवंश किए गए। प्रदेश के 39 पंजीकृत गौशालाओं में गौवंश के भरण पोषण के लिए मंडी परिषद द्वारा 22.62 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई। ग्राम्य विकास के माध्यम से देश को आत्मनिर्भर बनाना गांधी जी का स्वप्न था। गांवों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन योजना उत्तर प्रदेश के 16 जनपदों में क्रियाशील है। प्रत्येक गरीब के सिर पर छत के सपने को साकार करने की दिशा में प्रदेश में उल्लेखनीय कार्य किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 13.75 लाख से अधिक आवासों का निर्माण किया गया तथा 63,933 आवासों का निर्माण प्रगति पर है। उपरोक्त के अतिरिक्त मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत कुल 50,740 व्यक्तियों को निःशुल्क आवास से लाभान्वित कराया जा रहा है। इनमें 27,764 मुसहर, 4,666 वन टांगिया तथा 81 थारू जनजाति के व्यक्ति शामिल है। पहली वन टांगिया मुसहर कोल एवं थारू जनजाति के 38 ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित किया गया, जिससे वन क्षेत्रों में बसे इन गांवों के गरीबों को आवास, चिकित्सा, शिक्षा, सड़क, बिजली एवं राशन कार्ड आदि मूलभूत सुविधाओं प्राप्त हुई। स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली और प्रदेश में चिकित्सा सुविधाएं तेजी से बढ़ी। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2016 मात्र 12 मेडिकल कॉलेज थे। मेरी सरकार द्वारा निरंतर नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। 7 मेडिकल कॉलेजों में MBBS के प्रथम वर्ष की पढ़ाई वर्ष 2019-20 में शुरू हो गई और हरदोई, एटा, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर और मिर्जापुर में 8 मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य चल रहा है। इसके अतिरिक्त बुलंदशहर, बिजनौर, औरैया, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, कानपुर देहात, ललितपुर गोंडा, सुल्तानपुर कुशीनगर, सोनभद्र व कौशाम्बी में 13 मेडिकल कॉलेज और स्वीकृत जा चुके हैं। मेरी सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप मातृ मृत्यु दर में सबसे ज़्यादा 30% गिरावट लाने के लिए उत्तर प्रदेश को भारत सरकार की तरफ से MMR अवार्ड पुरस्कृत किया गया। 4 दशक से पूर्वांचल के मासूमों के लिए काल बने इंसेफेलाइटिस के मामलों में 56% की कमी हुई, जबकि मृत्यु के आंकड़ों में 81% की कमी आई है। ब्लॉक स्तर से जिला स्तर तक 104 इंसेफेलाइटिस केंद्र स्थापित किए गए तथा जापानी इंसेफेलाइटिस व एक्यूट इंसेफेलाइटिस के विरुद्ध अभियान में 3.5 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। ग्रामीण अंचलों में रहने वाली जनता को अधिक से अधिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना
मेरी सरकार के प्राथमिकता। प्रदेश में टेलीमेडिसिन की शुरुआत हुई, जिसके अंतर्गत दूरस्थ ग्रामों के रोगी मोबाइल फोन से माध्यम से कंट्रोल रूम से वरिष्ठ व विशेषज्ञ चिकित्सकों से चिकित्सीय परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेश के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी मलिन बस्तियों निवास करोड़ों व्यक्तियों के दरवाजे स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार प्रत्येक रविवार को प्रातः 10 बजे से तो आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि यूपी विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई है। किस तरीके से जो विपक्ष है वो हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। महंगाई एक अहम मुद्दा है, गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं उसको लेकर भी विपक्ष जो है वो हंगामा कर रहा है। CAA कानून वापस लो के भी नारे लगाए जा रहे हैं और लाख महिलाओं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गैस सिलेंडर के बड़े दाम को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। CAA कानून वापस लो के भी नारे लगाए जा रहे हैं। आज यूपी विधानसभा का बजट सत्र है और ऐसे में लगातार विपक्ष जो है वो हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं।